हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आप भोजपुरी फिल्म में कैसा अनुभव था और गाने का? अनुभव था का क्या मतलब है, आज ही तो आई हूँ मैं, तो अनुभव अभी ले रही हूँ धीरे धीरे। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा और हमारे बेस्ट कोरियोग्राफर है रामदेवन सर, उनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। पहले कर चुके हैं है, बहुत मजा आता है मुझे करके। इस बार भी बहुत ऑफिस में शूटर बैठे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी अभिनेत्री हैं, किसे मानती हैं कि ज्यादा अच्छी लड़की का है मतलब मैं? क्या खास नजर आती है आपको अपने डांस के अंदाज में? देखिए, खुद को पसंद करेंगे तो लोग खुद आपको पसंद करें, इसलिए अपने आप से प्यार करना चाहिए, लव योरसेल्फ। तो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? कुछ ऐसा हेजिटेशन होता मतलब कुछ आपको लगता है जब डांस करते हैं कि? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक ठाक कर लेते, फिर हेजिटेशन क्यों होगा? डर मुझे कभी नहीं लगता, मैं अपना काम अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिनको आप फॉलो करते होंगे डांस के लिए? मुझे संभावना जी बहुत अच्छी लगती है, उनके स्टेप, उनके मूव्स। में जब मैं काम नहीं करती थी इंडस्ट्री में, तब से मैं उनके मूव्स देखते आ रही हूँ, मुझे वो पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और धक धक गल अगर माधुरी दीक्षित की बात की जाए, देखो ड्रेस, देखो मैंने आज उनके जैसा कुछ पहना है ड्रेस, इसके लिए बोल सकते हैं ये बात। मैम स्पेशल सॉन्ग कर रहे हो? हाँ, मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ कलाकारों के बारे में, लेकिन जो भी होंगे अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर अच्छे, हमारे प्रोड्यूसर अच्छे, तो उनका सिलेक्शन भी अच्छा ही होगा। मैं स्पेशल सॉन्ग कर रही हूँ, पहली बार आई हूँ सेट पे, तो ज्यादा फिल्म के बारे में मुझे पता नहीं। निशा जी, अभी एक बवाल चल रहा है खेसारी और रितेश, उसको कुछ कहना चाहेंगे? यही क्वेश्चन चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं जब भी कोई राय देती हूँ तो अपने अकॉर्डिंग, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि जनता मेरे राय से मतलब अपना राय मिलाए, ज़रूरी नहीं है। सबके नज़र में उनके अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे खेसारी जी सही है, इसलिए क्योंकि उनका गाना पहले रिलीज़ हुआ है। अगर रितेश जी का गाना पहले रिलीज होता तो वो सही होते। अभी वो एक महीना पहले गा के रखे थे या एक साल पहले गा के रखे थे, नॉट इम्पोर्टेंट, रिलीज पहले किसका हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग खेसारी जी इज राइट। गाने की बोली याद है आपको? किसी और की थी ना, एक महीने पहले किसी ने और ने उसको सजाया था अपने तरह से, तो मैंने तो किसी और की थी। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एज अ सिंगर इस चीज को जानती हूँ कि मैं पहले से, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आपके रिलीजिंग के पहले कोई और फोन से रिकॉर्ड करके रिलीज कर दे, तो फिर आपका उस पर कोई राइट नहीं है। पहले जिसने रिलीज किया उसका ही राइट बनता है। आपको गाना याद है वो? हाँ, एक लाइन याद है, एक लाइन बताइए मतलब। अरे गोरी तोरी चुनरी पर झलक हुआ, जान मर लहंगा लखनऊआ, बस इतना ही याद है। खेसारी जी को कुछ कहना चाहती हैं? खेसारी जी बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा से अच्छा करते आए और आगे भी अच्छा करिए, हम सारे लोग आपके साथ। रितेश पांडे जी को नहीं कुछ कहेंगे? जिस तरह से उनका गाना किसी ने चोरी कर लिया है और वो काफी समय, आप फिर से गलत बोल रही है, किसने चोरी किया ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जो पहले गाया वो उसका पहला राइट। म्यूजिक डायरेक्टर का भी आरोप है खेसारी के ऊपर, अब क्या बोले, किसको सही बोले किसको गलत बोले, यहाँ सब सबके गाने चुरा चुरा के गा रहे, सभी लोग एक दूसरे का उठा उठा के गा रहे, तो किसी को चोर नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं चुरा। क्या आपने कभी चोरी किया है कोई गाना? जी नहीं, तो वाह, भगवान इस आरोप से बचाए रखे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टार्डम, ही नहीं चाहिए मुझे कि मैं किसी और का गाना उठा के। दोनों को कोई सलाह देना चाहेंगे? हाँ, कृपया अपना अपना गाना गाएं, फालतू में इंडस्ट्री का नाम खराब ना करें, सभी लोग मिलके जो भी हो। भोजपुरी ऑडियंस को कुछ कहेंगे जो गाली गलौज लिख रहे हैं चीजों को? गाली गलौज मत करिए आप लोग, आप जिसको सपोर्ट करते, जो रितेश जी के सपोर्टर है आप उनको सपोर्ट करिए, जो खेसारी जी के सपोर्टर हो खेसारी जी को सपोर्ट करें। गाली गलौज करने से अपनी संस्कृति खराब होती है, अपनी भोजपुरी खराब होती है, तो ये चीज मत करिए। नए साल में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं तो सुनिएगा जरूर, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फिल्मों को भी ढेर सारा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.